बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्रेश स्टेप्स एंड ट्रिक्स। वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि ऑटोकैड की सेटिंग कैसी करनी होगी, टूल बार किस जगह पर ले आना है और किस जगह पर नहीं ले आना है, ठीक है। लेकिन वीडियो से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आपसे लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। बिना टाइम में हम चलते हैं वीडियो की तरफ। मैंने आपको स्टेप वन में कहा कि यूट्यूब ऑटोकैड कैसे इंस्टॉल करना है। स्टेप टू में हम आपको बताएंगे कि ऑटोकैड जब इंस्टॉल होगा तो इसके बाद इसमें सेटिंग कैसे करनी है, तो हम आपको सेटिंग करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। चलो वीडियो की तरफ। पहला आप अपना ऑटोकैड ओपन करें, फिर इसके बाद यहाँ ये टूल बार है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आप यहाँ से द मॉडिफाइड जो टूल बार है ये यहाँ पर ले आए, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से आप यहाँ रिमूव करें, ठीक है, या राइट पर राइट क्लिक करें और फिर यहाँ 3D ऑर्बिट, ये भी आपके ये आपको ये इस बार की आपको 3D ऑर्बिट की आपको ज़रूरत है। और फिर इसमें जो भी टूल बार आप स्टेप वाइज हम आपको बताएंगे कि किस किस टूल बार आपके लिए इस्तेमाल होगा काम करने का, ठीक है। पहला 3D ऑर्बिट, दूसरा शेड वाला, तीसरा व्यूज वाला, ये 5 टूल बार से ये आपको काम में मदद देगा, ठीक है, ये काम में ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से ये टूल बार सेटअप करें इसका, ठीक है। ये शेड टूल बार है, ठीक है। फिर जेड स्पेस एस स्पेस से आप अपना डिस्प्ले अपनी जगह रिसेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो तरीका ऑटोकैड डिस्प्ले में किस किस टूल बार की आपकी ज़रूरत है, किस किस बार की आपकी ज़रूरत है। हमने आपके सामने ये शेड बार, व्यू बार, 3D ऑर्बिट्स, मॉडिफाई और 3D ऑर्बिट, ड्रा टूल बार, लेयर्स, मॉडिफाई, प्रॉपर्टीज, शेड बार, स्टैंडर्ड बार, स्टाइल, ये आप इस जो भी बार आपके आपके सामने है कंप्यूटर के डिस्प्ले पर, ये सारी आपको आपको काम में ज़रूरत है, ठीक है। उस स्नैप से आप अपना सेटिंग कर सकते हैं। उस स्नैप में आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि ये इस तरीके से जो रेक्टेंगल की एक साइड है, दूसरी साइड है, ये बिल्कुल ठीक नज़र आएगा, ये इतना तरीका। आप इंजीनियरिंग पर लेते हैं, UN लिख के और स्पेस, फिर यहाँ पर अपना सेटिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग पर क्लिक करें, फीट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और यहाँ फीट पर क्लिक करें और ओके करें, ठीक है। यह तरीका। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।